Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to move in another topic of administrative law, that is nature and scope of administrative law. तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग और डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आप चाहें तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं. तो चलिए आज हम नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ में आगे चलते हैं. तो इसके मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप इसको आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो और एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प मिले. तो चलिए चलते हैं टॉपिक के साथ में. द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस एंड इंटरेस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिनोमेना इन द वेलफेयर स्टेट ऑफ टुडे. आज की हम बात करें कि जहाँ राष्ट्रहित की हम बात करते हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक आपका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस है, मतलब वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है. ठीक है ना. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होती है इसकी जो नॉलेज होती है वो ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को होनी चाहिए बट साथ ही साथ में आपका जो ऑफिशियल्स होते हैं या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं, ठीक है ना, उनको भी इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट कोडिफाइड लाइक IPC और द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. इट इज़ बेस्ड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वह कोडिफाइड लॉ नहीं है, जैसे कि आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और IPC वगैरह हमने पढ़ा है. ठीक है ना. इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस पे बेस्ड है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. नेक्स्ट है इट इज़ एसेंशियली जजमेंट लॉ एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ. एसेंशियली क्या है, जजमेंट लॉ है और आपका जो पब्लिक लॉ होती है उसी की आपकी ब्रांच है. और ये जो पब्लिक लॉ है वो आपका प्राइमरली डील करता है रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद ऑर्गेनाइज्ड पावर. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाशी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़. जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो आपका डील करता है जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाशी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी पावर से रिलेटेड. Now, administrative law is primarily concerned with official actions and the procedure by which official action is reached. तो जो administrative law होता है इसका primary concern जो होता है वो ये होता है कि जो आपके administrative officials हैं, मतलब जिन persons को आपका administrative function perform करना है, ठीक है ना, उनका action क्या है और किस तरीके से, मतलब क्या procedure वो follow करते हैं इस action को करने के लिए और किस प्रोसीजर के जरिए या ऑफिशियल एक्शन आपका एक बोलते एक लिमिट तक पहुंचता है या आपका एक तरीके से परफॉर्म होता है. नाउ तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है. जैसे आपका रूल मेकिंग की हम बात करें तो वो आपका क्वाशी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की होती है. ठीक है ना. रूल डिसीजन की बात करें क्वाशी जुडिशियल एक्शन होता है. ठीक है ना. रूल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है. ठीक है ना. मिनिस्ट्रियल एक्शन जो होता है और प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. ठीक है ना. तो ये सारे आपके एग्जांपल्स थे किसके, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के. नेक्स्ट पॉइंट के साथ में हम चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है इट इंक्लूड्स कंट्रोल मैकेनिज्म बाय विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर केप्ट विद इन बाउंड्स एंड मोर मेड इफेक्टिव. इसका मतलब एक तरीके से जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है ये आपका क्या होता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनको उनके लिमिट्स के अंदर रखा जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है. द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड स्टेट्यूटरी लॉ. अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उनकी अथॉरिटी आती कहाँ से है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, और जो स्टेट्यूटरी लॉ जो होते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर जो आपके लॉज बनाते हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं वो सारे लॉ, ठीक है ना, इनसे अपनी अथॉरिटी आपका डिराइव करते हैं कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट्स टू इंडिविजुअल राइट्स एज वेल एज पब्लिक नीड्स. जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो इंडिविजुअल राइट से भी रिलेटेड है और साथ साथ में पब्लिक नीड्स से भी रिलेटेड है और ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट ओपन एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. मतलब इंश्योर करता है कि जो गवर्नेंस है, मतलब जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो, ओपन हो और ऑनेस्ट हो पूरी तरीके से और ज़्यादा पीपल फ्रेंडली हो. द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट एन एंड इन इट्सेल्फ बट अ मीन टू एन एंड. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक तरीके का एक एंड नहीं है, किसी चीज़ का एक अंत नहीं है,
पर एक जरिया है जिसके जरिए आपका अंत तक पहुंचा जा सकता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इमर्जेस एंड डेवलप्स व्हेनेवर एंड वेयर एवर एनी पर्सन बिकम्स द विक्टिम ऑफ आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर. मतलब जब भी आपका किसी पर्सन जो है, ठीक है ना, कोई पर्सन जो है वो विक्टिम बनता है किस चीज़ का, विक्टिम एक तरीके से शिकार बनता है या जिसको नुकसान होता है, ठीक है ना, किस चीज़ का, पब्लिक पावर के आर्बिट्ररी एक्सरसाइज का. मतलब कोई मान लो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो उसकी जो पावर है, ठीक है ना, उसको मिसयूज़ करता है, आर्बिट्ररी यूज़ करता है. मतलब एक तरीके से तानाशाह की तरह यूज़ कर रहा है उसको, अपनी इच्छा के हिसाब से यूज़ कर रहा है उसको, ठीक है ना. तो उस केस में कि कोई पर्सन उसका विक्टिम बनता है, तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो आपका इमर्ज होता है, ठीक है ना. मतलब उसका एक तरीके से रोल जो होता है एक्शन में आता है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक्शन में आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ बट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो फिलोसफी ऑफ लॉ की ब्रांच नहीं है, बल्कि किस चीज़ की ब्रांच है, ये आपका सोशोलॉजी ऑफ लॉ की ब्रांच है. इट इज़ द बॉडी ऑफ लॉ विच गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना. तो एक तरीके से ये आपका बॉडी ऑफ लॉ जो होती है वही होती है जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो होती हैं गवर्नमेंट की, उनकी एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है. तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं, रूल मेकिंग हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एजेंडा हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें. तो फ्रेंड्स आपने अभी तक देखा होगा नेचर और स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं वो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने पहले पढ़े थे जो हमने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन में पढ़ा है. तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना है वो आपको इस वीडियो के देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है. कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका सोर्स है. जो एक्ट्स और स्टैट्यूट्स जो लागू होते हैं लेजिस्लेशन के ज़रिए वो हो गया. ऑर्डिनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स जो होते हैं वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो होते हैं उनके सोर्स होता है. जुडिशियल डिसीजन जो होता है वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स होता है. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी मैंने इसमें कवर कर दिया है, ये फिनिश हो गया है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग. अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.